Swayam Prabha, Digital India, Educated India Namaskar. मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज में प्रयोगात्मक विधियों के विषय में डिस्कशन किया ये जाना कि प्रयोगात्मक विधियाँ किसे कहते हैं उसमें से जुड़े हुए विभिन्न अवयवों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से अपनी रिसर्च में करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया आज हम लोग अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मनोविज्ञान में सांख्यिकी के उपयोग के विषय में चर्चा करेंगे सांख्यिकी का उपयोग हम किस प्रकार अपनी रिसर्च में करते हैं सांख्यिकी के प्रयोग से हम अपनी रिसर्च के परिणामों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं इसके विषय में आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आज प्रथम हम सांख्यिकी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं ये जानते हैं कि सांख्यिकी किसे कहते हैं और इसका हम लोग अपने जीवन में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और इसके प्रयोग से हम लोग अपने जीवन में किस प्रकार बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं और किस प्रकार ये हमें अपने दैनिक जीवन में छोटी मोटी समस्याओं को निवारण में मदद करती है ये हम आज जानेंगे तो सर्वप्रथम हम लोग ये जानते हैं कि सांख्यिकी का उपयोग क्या नया है या हम प्राचीन काल से ही सांख्यिकी का प्रयोग कर रहे हैं तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग इसी डिस्कशन से करते हैं हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी का उपयोग कोई बहुत नई बात नहीं है ऐसा नहीं है कि ये एक नया सब्जेक्ट है या इसके बारे में हमें अभी नई जानकारी मिली है सांख्यिकी का प्रयोग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है यदि मैं ये कहूँ कि सांख्यिकी का उपयोग मानवीय डेवलपमेंट के शुरू से ही चला आ रहा है तो शायद ये गलत नहीं होगा हम देखेंगे कि जिस प्रकार धीरे धीरे समाज का विकास हुआ उस विकास में सांख्यिकी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की यदि हम अपने इतिहास की तरफ देखें तो हम पाएंगे कि इतिहास के बहुत सारे पन्नों में सांख्यिकी के उपयोग के विषय में लिखा हुआ है कभी हम सामान्यतः जब सांख्यिकी के बारे में बात करते हैं चर्चा करते हैं तो एक सामान्य चित्र हमारे सामने उभरता है लोग कहते हैं सांख्यिकी का और मैथमेटिक्स का उपयोग हम चीज़ों की गणना करने में करते हैं यह काफ़ी हद तक एक सही बात है हम गणना करते हैं किसके विषय में हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं जितनी भी चीज़ें हैं जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं हम उनकी गणना करते हैं लेकिन मात्र गणना करना ही सांख्यिकी नहीं है सांख्यिकी का क्षेत्र गणना करने से कहीं ज़्यादा ऊपर है सांख्यिकी में हम लोग गणना ही नहीं करते बल्कि उस गणना के एक अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं और सांख्यिकी हमें उस गणना में निहित जो अर्थ है जो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है उसको निकालने में सांख्यिकी हमारी मदद करती है यदि हम हिस्ट्री में देखें तो पाएंगे कि हिस्ट्री के जिस जिस एरा में सांख्यिकी का उपयोग किया गया है उस उस एरा में हमारे समाज में एक नया डेवलपमेंट हुआ तो यदि हम पास्ट में भी देखें तो देखेंगे कि पहले भी मुद्राएं चला करती थी मुद्राएं चलती थीं और उनकी गणना हम लोग किया करते थे उस गणना के माध्यम से हम लोग व्यापार करते थे उस गणना के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जो वस्तुएं हैं एक्सचेंज करते थे हम एक दूसरे को एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन कन्वे किया करते थे एक छोटा सा हम लोग हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हम लोग सांख्यिकी के उपयोग का स्टेब्लिशमेंट करने का प्रयास करेंगे तो हम समझते हैं कि हिस्ट्री में भी जब दो राजा हुआ करते थे राज्य चला करते थे उस समय भी हम लोग एक दूसरे की क्षमताओं के बारे में एक दूसरे की शक्तियों के बारे में आकलन किया करते थे और उस आकलन के हिसाब से हम लोग ये डिफाइन करते थे या ये डिसाइड करते थे कि हमें उस राजा के साथ या उस राज्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है किस प्रकार के संबंध रखने हैं तो प्राचीन काल में भी जो हम लोगों का व्यवहार था वो निर्धारित होता था डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास डेटा होता था उसका आंकलन करके तो सांख्यिकी का जो मुख्य आधार है वह है डेटा और डेटा पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड से प्रोसेस करके जो हम आकलन करते हैं जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सांख्यिकी उसी का एक परिणाम है और इस आकलन से हम लोग जिस प्रकार अपने व्यवहार को निर्धारित करते हैं अपने भविष्य के बारे में पूर्वानुमान करते हैं ये सभी हम सांख्यिकी के डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं जो उसकी प्रोसेसेस हैं उनके माध्यम से करते हैं तो हिस्ट्री में यदि हम ये कहें कि जब जब लोगों ने उस समय के व्यक्तियों ने सांख्यिकी का उपयोग करके अपने भविष्य के बारे में आकलन किया और सही आकलन किया तो हमने पाया कि उस उस समय पर हमारे समाज में एक नई क्रांति आई एक नया डेवलपमेंट हुआ और हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी कोई भी व्यवहार या अपना कोर्स ऑफ एक्शन किसी भी बिना डेटा के बिना आंकलन के नहीं करना चाहिए यदि हम बिना किसी आकलन के अपने व्यवहार को निर्धारित करते हैं तो हमें इससे भविष्य में बहुत बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है तो इस प्रकार हम लोगों ने ये जाना कि सांख्यिकी का उपयोग कोई नया नहीं है ये संभव है कि इसमें कुछ नए मेथड्स समय के साथ साथ एड हुए हैं लेकिन हमारी हिस्ट्री में स्टेटिकल मेथड्स के उपयोग और उसकी जानकारी के विषय में पर्याप्त मात्रा में एविडेंस अवेलेबल हैं और ये एविडेंस हमें ये जानकारी देते हैं कि सांख्यिकी हमारे और हमारे फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंस है उसे कम करने में हमारी मदद करती है हमें फ्यूचर के बारे में जानने में मदद करती है किसके माध्यम से जो हमारा प्रेजेंट है तो जो हमारा प्रेजेंट है उसमें जो हमारे पास डेटा है जो आंकड़े हैं उन पर प्रोसेस करके हम लोग अपने फ्यूचर को श्योर और सिक्योर कर सकते हैं अगर हम लोग प्रेजेंट के बारे में इस डिस्कशन को बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि आप अपने भविष्य के बारे में जो निर्धारण जो डिसीज़न आज लेते हैं वो आप कुछ आंकड़ों के आकलन के हिसाब से लेते हैं जैसे यदि आजकल हमें इस तरह का डेटा मिले कि व्यक्ति की जो जीवन आयु है उसकी जो लंबाई है जो ईयर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और बहुत सारी नई नई समस्याएं आ रही हैं हमें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो इन आंकड़ों के आधार पर हम यदि ये निर्धारित करें कि अब हमें किसी तरह के अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के प्रोग्राम में एंटीसिपेट करना चाहिए जिससे हमारा फ्यूचर और हमसे जुड़े लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो सके तब भी हम लोग जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके आधार पर जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं या जो भी मोड ऑफ एक्शन हो सकता है अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए करते हैं जैसे हम बस एक उदाहरण लेते हैं आम जीवन में यदि आपको ये बताया जाए कि इस रोड पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो ये जानकारी आपको कैसे मिली आंकड़ों के माध्यम से कुछ लोगों ने वहाँ पर कुछ आंकड़े एकत्र किए होंगे उन आंकड़ों के आधार पर आपको ये जानकारी दी गई होगी कि इस रोड पर एक्सीडेंट होने की संभावना काफ़ी अधिक है तो जब आप उन आंकड़ों का एक मेथड के थ्रू प्रोसेस करते हैं तो आपको एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी मिलती है उस प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप ये डिसाइड करते हैं कि यदि आपको उस सड़क पर जाना है तो किस तरह के सेफ्टी गैजेट्स आप अपने साथ रखेंगे या किस तरह की सेफ्टी को आप ऑन करेंगे उस रोड पर जाते हुए तो यहाँ हमने सांख्यिकी के बहुत बेसिक जो उपयोग हैं हमारे जीवन में उसके बारे में डिस्कशन किया अब जैसा हम लोग इस डिस्कशन में कह रहे हैं कि सांख्यिकी का उपयोग मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है कब इस्पेशली तब जब हमें अपने फ्यूचर में जो डेवलपमेंट करने हैं उस पर हमारा फोकस केंद्रित हो तो उस फोकस को आगे बढ़ाने में सांख्यिकी हमें हमारी बहुत मदद करती है आखिरी के कुछ एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने इस तरह की जानकारी प्राप्त की अब हम लोग जानते हैं कि सांख्यिकी का उपयोग आम जीवन के अलावा और कब कब किस किस क्षेत्र में किया जाता है तो हम देखेंगे कि साइंस या साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं या यदि मैं ये कहूँ कि ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में जहाँ जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च एक एसेंशियल कंपोनेंट है, अर्थात जिन विषयों में साइंटिफिक रिसर्चेज की जाती हैं वहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है अर्थात वहाँ पर बिना सांख्यिकी के उपयोग को जाने बिना उसको समझे बिना आप अपने सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकते अपने सब्जेक्ट में एक विशिष्ट दक्षता हासिल नहीं कर सकते तो हम पाएंगे कि सिर्फ मनोविज्ञान या विज्ञान ही नहीं बहुत सारे ऐसे और भी सब्जेक्ट हैं जहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग या तो एक सब्जेक्ट के रूप में या एक ब्रांच के रूप में किया जाता है एक ऐसी ब्रांच जो उस सब्जेक्ट को डेवलप करने में मदद करती है तो देखा हमने कि सांख्यिकी हमारे जीवन ही नहीं हमारे ज्ञान के विस्तार में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है अब हम लोग मनोविज्ञान का उदाहरण लेते हुए समझते हैं कि सांख्यिकी ने किस प्रकार मनोविज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप करने में मदद की तो हम लोग देखते हैं कि जो मनोविज्ञान का इतिहास है उसमें बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चिस की गई और उन साइंटिफिक रिसर्चिस के माध्यम से हमारे इस विषय में नए नई जानकारियाँ ऐड की गई नए नए ज्ञान को विस्तृत किया गया और ये सारा ज्ञान हम लोगों ने मनोविज्ञान में रिसर्च मेथड्स और सांख्यिकी के उपयोग से ही किया जब तक कोई रिसर्च हमारे डेटा को सपोर्ट करते हुए ये निर्धारित नहीं करती है कि ये ज्ञान हम रिलायबल है दोबारा यदि हम इस तरह की रिसर्च करें तो क्या इसी प्रकार का रिजल्ट आएगा या जब तक हम लोग ये इंश्योर नहीं करते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है जो हमारी इंफॉर्मेशन है इसे हम किसी डेटा या डेटा प्रोसेस के सपोर्ट के बिना उस कथन का उस जानकारी का जो वेटेज है वो कुछ कम आंका जाता है तो सांख्यिकी ने मनोविज्ञान में जो आज स्थिति है जो आज डेवलपमेंट हुआ है उसमें काफ़ी मदद की है और आज भी जो मनोविज्ञान में रिसर्चिस की जा रही हैं उन रिसर्चिस में सांख्यिकी का एक एसेंशियल पार्ट है और उस सांख्यिकी के पार्ट के बिना वो रिसर्चिस आज भी जो साइंटिफिक हमारे पास पॉपुलेशन है जो लोग हैं जो साइंस को समझते हैं साइंस पर ट्रस्ट करते हैं वो सिर्फ इसीलिए मनोविज्ञान को विज्ञान मानते हैं या सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा मानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्च होती हैं वो रिसर्चिस डेटा बेस्ड होती हैं और उस डेटा बेस्ड रिसर्चिस के माध्यम से ही हम अपनी जानकारी को एक दूसरे को साझा करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने सब्जेक्ट में ऑन करते हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि सांख्यिकी में और किस किस प्रकार के उपयोग हो सकते हैं या हम सांख्यिकी का उपयोग किन किन परिस्थितियों में करते हैं तो यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है वो है ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग का क्या अर्थ होता है यदि मैं सामान्य भाषा में कहूँ ऑर्गेनाइजिंग तो आप क्या समझेंगे आप समझेंगे कि कुछ हमारे पास डेटा है या कुछ हमारे पास वस्तुएं हैं कुछ हमारे पास इवेंट हैं और वो इवेंट सिर्फ इसी तरीके से हमारे सामने रखे हुए हैं लेकिन अब हम उन वस्तुओं को या उन इवेंट को कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उस समय हम लोगों से कहा जाता है कि आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें या जब आप कहीं नए हॉस्टल में जाते हैं या किसी नई जगह पर जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखें तो उस ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखने का क्या अर्थ है उसका अर्थ है वो चीज़ें या वो वस्तुएं जो एक दूसरे से सिमिलर हैं जिनका उपयोग एक जैसे कार्य को करने में किया जाता है उन्हें आप एक साथ रखें और वो वस्तुएं जिनका उपयोग किसी दूसरे कार्य में किया जाता है जिनकी कुछ दूसरे तरह की स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें एक जगह रखें हम एक बच्चों का सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं जब हम बच्चे होते हैं तो हम लोगों के पास बैग होता है एक पेंसिल बॉक्स होता है उसमें भी जब हम अपनी चीज़ों को रखते हैं तो आप देखेंगे कि यदि हम अपनी बुक्स को अपने पेंसिल बॉक्स को ऑर्गेनाइज तरीके से रखें जहाँ पर हमें लिखने की चीज़ें रखनी हैं जैसे पेन पेंसिल कटर रबर इन्हें एक जगह पर रखें और जहाँ पर हमें किताबें रखनी हैं वहाँ पर एक तरफ किताबें रखें जहाँ पर हमें कॉपीज़ रखनी हैं एक जगह कॉपी रखें यदि हमारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो हम अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें एक तरफ और अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें दूसरी तरफ रख सकते हैं तो इस छोटी सी प्रोसेस के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हमने अपनी लाइफ को काफ़ी इजी बना दिया ये सांख्य की हमें हमारे डेटा के साथ इसी तरह की फ्रीडम देती है कि हम लोग अपने डेटा को या रिसर्च में जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट की है उस इंफॉर्मेशन की डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स उसकी नीड और उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली हम अपने डेटा को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या डिफरेंट डिफरेंट समूहों में रख सकते हैं तो जैसे ही हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं हमें हमारे डेटा को समझने में उससे नया मीनिंग जनरेट करने में हमें काफी मदद मिलती है तो दूसरी कंडीशन या दूसरा उपयोग हम लोगों ने मेंशन किया है वह है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का क्या अर्थ है क्लासिफाइंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं जब हम लोगों को किसी चीज़ को क्लासिफाई करना होता है तो हम किसी एक या एक से ज़्यादा बेसिक करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो सांख्यिकी हमें क्या हमें मदद करती है कि जो हमारे पास डेटा है उसे हम डिफ़रेंट डिफरेंट क्लासेस में वो क्लासेस जो एक स्पेसिफिक तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो नीड्स हैं जो डिमांड हैं उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं उन क्लास में हम लोग अपने डेटा को रख सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं जैसे यदि हमारे पास बहुत सारे व्यक्तियों का सैलरी का डेटा हमारे पास हो तो वो डेटा अभी हम लोगों के पास सिर्फ रॉ फॉर्म में है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज या क्लासेस निर्धारित कर सकते हैं जैसे हम कहें कि ये एक पर्टिकुलर सैलरी का नंबर है फॉर एग्जांपल अभी हम इसे एक्स मानते हैं जब जो लोग इस एक्स नंबर से ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं हम उन्हें कहें कि उनका इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा है हाई है तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास एक कैटेगरी बनाई और हम सांख्यिकी की मदद से ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमारे डेटा में वो कौन सा पॉइंट है या वो कितने नंबर ऑफ सैलरी है जो ये निर्धारित करेगी कि इन लोगों का इकोनॉमिकल स्टेटस बाकी लोगों से हाई है हो सकता है इसी में हम लोग एक और क्लास या कैटेगरी बनाएं और कहें कि जिन लोगों की सैलरी वाई रेंज में है इस नंबर से इस नंबर तक लाई करती है वो मिडिल इकोनॉमिकल स्टेटस में आते हैं ये भी हमने किस प्रकार से किया सांख्यिकी के उपयोग से अब हम ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि जिन लोगों की सैलरी Y पॉइंट से नीचे है उन लोगों को हम लोग इकोनॉमिकल स्टेटस के लेवल पर लो या कम जो एक कैटेगरी है उसमें निर्धारित कर सकते हैं तो क्लासिफाई करके हम लोग अपने पूरे डेटा को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो गवर्मेंट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो इस्कीम्स चलाती है वो इस बेसिस पे चलाती है कि जो वहाँ का समाज है उसमें किस किस तरह की कैटेगरीज हैं और वो कैटेगरीज़ किस किस तरह की स्पेसिफिक डिमांड्स या नीड रखती हैं तो यहाँ पर हम लोग बिना सांख्यिकी के प्रयोग किए ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि कौन लोग किस कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस प्रकार की हैं तो क्लासिफिकेशन हमारा एक और उपयोग हुआ हमारी सांख्यिकी के मेथड्स का अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइबिंग का अर्थ होता है किसी के बारे में जानकारी को विस्तृत रूप से बताना डिस्क्राइब करना तो अगर आम बोलचाल में कहें तो डिस्क्राइब करने का सांख्यिकी से क्या संबंध है जब हम लोग किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं बताते हैं कि उसके अंदर ये ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर हमारा सांख्यिकी का क्या उपयोग हुआ यदि हम ध्यान से देखें तो देखेंगे कि जब हम लोग किसी को डिस्क्राइब करते हैं तब भी हम लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है या इसके कितने चांसेस हैं होने के या इसकी क्या फ्रिक्वेंसी है यदि मैं किसी को डिस्क्राइब करूं कि वो बहुत हेल्पिंग नेचर का है तो क्या मैं सिर्फ़ एक बार ये देखूं कि उसने किसी की हेल्प की और मैंने उसे डिस्क्राइब किया कि वो हेल्पिंग है या जब मैं बार बार इस डेटा को पाता हूँ कि या मेरे पास ये आंकड़े हैं कि बहुत सारी परिस्थितियों में ये व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तब मैं कहता हूँ या डिस्क्राइब करता हूँ उस व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति बहुत हेल्पफुल है या अगर मैं किसी व्यक्ति को बार बार झगड़ा करते हुए देखता हूँ तब मैं ये इन्फुरेंस ड्रॉ करता हूँ कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो यहाँ पर आपने देखा कि हम जब किसी को डिस्क्राइब करते हैं तब भी हम लोग सांख्यिकी के मेथड्स का उपयोग करते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला उपयोग क्या है एनालाइजिंग ये एक ऐसा उपयोग है जो सांख्यिकी की एक बेसिक नेचर में आता है तो यदि आप किसी से कहें कि सांख्यिकी का क्या उपयोग है तो कॉमनली आप लोग पाएंगे कि लोग कहेंगे कि जो डेटा होता है उसे हम लोग सांख्यिकी से एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करना तो सांख्यिकी का एक निहित गुण है जिसमें हम लोग जो आंकड़े मिलते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट मेथड से एनालिसिस करके कुछ आउटकम एक रिजल्ट के फॉर्म में प्राप्त करते हैं तो एनालाइजिंग डेटा एक सांख्यिकी का एसेंशियल उपयोग है इसके बाद है हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब हम लोग प्रयोगात्मक विधि के चरणों के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने जाना था कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं और हमने ये भी जाना था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का हमारी रिसर्च में कितना महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही हमें हमारी रिसर्च के कंप्लीशन और उसके फाइंडिंग्स को लेकर विशेष जानकारी देती है बताती है कि जो हमारी रिसर्च जिस रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर शुरू हुई थी क्या वो रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास मिला या हमारी रिसर्च में कुछ जो नई फाइंडिंग आई हैं वो हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती हैं या वो जो फाइंडिंग्स हमारे पास आई हैं वो हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करती हैं तो स्टेटिकल मेथड्स के थ्रू ही हम लोग अपनी रिसर्च में जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप की है उसे एग्जामिन कर पाते हैं हम आगे के लेक्चर्स में ये जानेंगे कि कितनी तरह के हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसीजर्स हैं और किस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस हम करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं अपनी हाइपोथेसिस को एग्जामिन करने के लिए लेकिन ये सारी टेस्टिंग हम किसके माध्यम से करते हैं सांख्यिकी की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के माध्यम से अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सांख्यिकी के और क्या उपयोग हैं तो सांख्यिकी के उपयोग में यहाँ पर एक और मेंशन है वो है इन्फेरिंग मीनिंग जैसा हमने कुछ पहले के उदाहरण में भी कहा कि जो हमारे पास डेटा है उस डेटा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारी नॉलेज निहित होती है लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन वो सारी नॉलेज हमें कैसे मिलती है जब हम उस डेटा का एनालिसिस करते हैं उस डेटा पे कुछ मेथड्स एम्प्लाई करते हैं तो इस प्रकार से हम लोग इन्फर कर पाते हैं मीनिंग को किस मीनिंग को जो उस डेटा में निहित है हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी जब स्टिकल एनालिसिस करते हैं तो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को इन्फर करते हैं वो इन्फुरेंस क्या हो सकता है कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या क्या इन्फुरेंस मिल सकता है कि हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई सामान्य एक उदाहरण में यदि हमने जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब मोटिवेशन से जुड़ी हुई कोई हाइपोथेसिस बनाई और हमें ये रिजल्ट मिला कि जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो यहाँ पर हम लोगों ने सांख्यिकी के मेथड्स को उपयोग करते हुए ये इन्फर किया कि जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब मोटिवेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एसोसिएटेड हैं तो यदि मुझे जॉब मोटिवेशन को इंक्रीज करना है तो मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन से जुड़े हुए कारकों पर ध्यान देना होगा यदि मैं जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर पाऊंगा, तो उसके साथ साथ मेरे कर्मचारियों का जॉब मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा तो इन्फ्रेंस हमने कैसे ड्रॉ किया हमारे सांख्यिकी के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू अब है प्रडिक्शन जैसा हमने पिछले कुछ उदाहरणों में ये पाया था कि सांख्यिकी हमें हमारे फ्यूचर को समझने में और उसे प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है यदि हमारे पास आज कुछ डेटा हो उस डेटा को यदि हम प्रोसेस करें तो उसके माध्यम से हम लोग अपने फ्यूचर में जो इवेंट हो सकते हैं उनकी क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एक सिंपल सा इसके लिए एग्जांपल लेते हैं यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर सामने कोई मैच हो रहा है और उस मैच में दो टीम खेल रही हैं और फिर हम ये क्या क्या करते हैं कि उन दोनों टीम्स के बारे में जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है दोनों टीम्स की क्या स्ट्रेंथ हैं क्या वीकनेसेस हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में ये गेम हो रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उसके कॉन्टेक्स्ट के फैक्टर कैसे हैं और इन सब का डेटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग ये फ्यूचर में प्रडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि टीम ए या टीम बी इन दोनों में से किसी एक टीम के जीतने की क्या पॉसिबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है या जो हमें डिसाइड करना है किस टीम को सपोर्ट करना है या नहीं करना है ये हम लोग अपने डेटा एनालिसिस के माध्यम से जान सकते हैं इसके अलावा भी हमारा जो एक मेज़र आउटकम है डेटा एनालिसिस का वो है फ्यूचर प्रडिक्शन क्योंकि हमारी रिसर्च में हम लोग यही जानने का प्रयास करते हैं कि हम फ्यूचर में जो हमारे पास आज एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें और क्या करें कि हम अपने फ्यूचर को और बेहतर बना सकें इसके बाद हमारे पास जो डेटा एनालिसिस या सांख्यिकी की, की विधियां हैं वो हमारे रिजल्ट को प्रेजेंट करने में हमारी मदद करती हैं जब हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं तो जो उससे आउटकम मिलता है वो काफ़ी रॉ फॉर्म में मिलता है जब हम और सांख्यिकी के मेथड्स का उपयोग करते हैं जैसे ग्राफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम जो हमें रिजल्ट मिला है जो हमें हमारी रिसर्च में फाइंडिंग्स मिली हैं उनको हम और अच्छे से बाकी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं इसके बाद जो उपयोग है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेज़र्स मेज़र का अर्थ है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मापने में मेरी मदद करे तो हम लोगों ने ये जाना था कि जो साइकोलॉजिकल मेज़र्स हैं वो वैलिड और रिलायबल होते हैं स्टैंडर्डाइज होते हैं और जो मेज़र्स स्टैंडर्डाइज होते हैं उन्हीं का प्रयोग हम लोग अपनी रिसर्च में कर पाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हम डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स डेवलप करते हैं उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं डेटा एनालिसिस के सांख्यिकी की जो डिफरेंट डिफरेंट विधियाँ हैं उनका उपयोग करते हैं तो सांख्यिकी की, की विधियों का उपयोग हम लोग नए मेजर्स डेवलप करने में और जो एग्जिस्टिंग मेजर्स हैं उनके नॉर्म्स रिलायबिलिटी वैलिडिटी को आइडेंटिफाई करने में कर पाते हैं लास्ट में जो उपयोग है वो है डेटा कलेक्शन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि सांख्यिकी की शुरुआत डेटा कलेक्शन के बाद में होती है जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जो डेटा कलेक्शन है वो सांख्यिकी का एक इंटीग्रल पार्ट है तो जब तक आपके पास आपकी सांख्यिकी की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जानकारी नहीं होगी तब तक आप लोग डेटा कलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो डेटा कलेक्शन भी सांख्यिकी का एक इंट्रीगल पार्ट है एक उपयोग है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं और डेटा प्रोसेसिंग से हम लोग किस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो डेटा प्रोसेसिंग का हम लोग एक बहुत सिंपल इनिशियल एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो डेटा हम किस प्रकार से प्रोसेस कर सकते हैं इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक रॉ डेटा सामने प्रेजेंट करते हैं माना हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है नाइन फिफ्टीन फोर ट्वेंटी सेवन फाइव फोर्टीन थ्री ट्वेल्व सेवन फाइव इलेवन थर्टीन टू फाइव थर्टीन थ्री फोर टू ट्वेंटी फाइव हमें इसी प्रकार का डेटा जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो रो फॉर्म में मिलता है तो यदि ये नंबर्स आप देखें और मैं आपसे कहूं कि इन नंबर्स से आपको क्या समझ में आ रहा है या इन नंबर्स के बारे में इस डेटा सेट के बारे में मुझे बताइए तो अभी ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि नंबर्स को देखकर या इन नंबर्स को ऑब्जर्व करके मैं कोई इन्फ्रेंस निकाल सकूं या कोई मैसेज कन्वे कर सकूं लेकिन यदि बस मैं इसमें डेटा एनालिसिस की प्रोसेसिंग का एक सिंपल सा स्टेप करूं ऑर्गेनाइजिंग अ डेटा अब मैं इस डेटा को और फिर बढ़ते हुए क्रम में ऑर्गेनाइज़ कर दूँ तो आप देखेंगे कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी तो हम देखते हैं कि जब हम इसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो ये डेटा कुछ इस तरीके से दिखने लगता है जहाँ पर सबसे पहले मैंने जो मिनिमम वैल्यू है वो लिखी है और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में जो जो नंबर्स मुझे मिल रहे हैं उन्हें मैंने लिख दिया है तो अब जब आप यहाँ देखेंगे तो यदि मुझे कोई थोड़ा सा भी समय दे तो जो सेकेंड ऑर्गेनाइज डेटा है इसमें मैं अपने डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकता हूँ जैसे अब मैं आसानी से ये बता सकता हूँ कि मेरी डेटा सीरीज़ में ये दो पॉइंट हैं जो मेरी बाकी डेटा पॉइंट्स से काफ़ी डिफरेंट हैं एक्सट्रीम स्कोर हैं आउटलेयर्स हैं इसके साथ साथ मैं ये क्या बता सकता हूँ कि मेरा मिनिमम डेटा पॉइंट क्या है मैक्सिमम डेटा पॉइंट क्या है और ये भी देख सकता हूँ कि मेरा डेटा होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है या हेट्रोजीनियस है अर्थात मेरे डेटा में जो पॉइंट्स हैं वो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी के क्लोज हैं मध्य में एक जैसे बिखराव है या हमारा डेटा बहुत ज़्यादा कोई डेटा बहुत ज़्यादा कम है कोई डेटा बहुत ज़्यादा ज़्यादा है नंबर्स में और हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा डेटा लगभग लगभग किस डेटा पॉइंट के आसपास फैला हुआ है तो सिर्फ मैंने अपने डेटा में डेटा को ऑर्गेनाइज़ किया और देखा कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से ही मेरे पास कितनी सारी इन्फॉर्मेशन एड हो गई तो सांख्यिकी में ये सबसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है आगे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं तो हम देखेंगे कि हमारे डेटा को मीनिंग देने में सांख्यिकी का कितना बड़ा उपयोग है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सांख्यिकी के क्या क्या प्रकार हैं तो यदि हम लोग देख इन सभी प्रकारों को दो हिस्सों में बांटें तो हम पाएंगे कि जो सांख्यिकी है उसमें डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुन्शल दो तरह की सांख्यिकी उसके फंक्शंस उसके आउटकम्स उसकी यूटिलिटी के आधार पर है डिस्क्रिप्टिव्स का अर्थ है कि जो हमारे पास डेटा है हम उसे किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव उसका विवरण क्या हो सकता है हम उसे कैसे दूसरे को बता सकते हैं कि जो मेरे पास डेटा है इसका क्या डिस्क्रिप्शन हैं आगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव के बारे में चर्चा करेंगे इन्फ्लुनशियल का अर्थ है कि हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन इन्फर कर सकते हैं अपने डेटा से तो इन्फ्लुनशियल में हम लोग उन मेथड्स को उपयोग करते हैं जो हमें हमारे डेटा से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हमारी हाइपोथेसिस के मीनिंग को इन्फर करने में करते हैं तो वो सारे मेथड्स हम लोग इन्फ्लेंशियल में रखते हैं इसके बाद जो हमारे पास टाइप हैं वो हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक तो जो पैरामेट्रिक अप्रोच है वो ये बिलीव करती है कि जो हमारा डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा किसे कहते हैं हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि जो पैरामेट्रिक मेथड्स हैं वो हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा डेटा किसी एक तरह की करेक्टरिस्टिक्स पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एक तरह के डिस्पर्जन को फॉलो करता हो जबकि नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स हमें इस चीज़ से फ्रीडम देते हैं कि यदि हमारा डेटा किसी एक तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो ना करता हो तब भी हम लोग नॉन पैरामेट्रिक जो मेथड्स हैं उनका उपयोग करते हुए अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं तो इस प्रकार हम लोग मनोसांख्यिकी के जो प्रकार हैं उनके डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमने अभी ये देखा कि हमारे पास जो दो मेज़र टाइप्स थे उसमें एक था डिस्क्रिप्टिव और हमने ये बताया डिस्क्रिप्टिव का अर्थ होता है जहाँ पर हम लोग अपने डेटा के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो जो हम चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं उसके दो तरह से हम लोग उपयोग करते हैं पहला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो विधियाँ हैं उनके माध्यम से हम लोग अपने डेटा के बारे में जानकारी दूसरों को दे सकते हैं अपने डेटा के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इसके अलावा जो दूसरा मेज़र है वो है मेज़र्स ऑफ वेरीबिलिटी मेज़र्स ऑफ वेरीबिलिटी में वो मेज़र्स आते हैं जो मेरी डेटा सीरीज़ के डिस्पर्जन के विषय में मुझे जानकारी देते हैं तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों के पास मीन मीडियन और मोड ये कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्क्राइब करते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में हम लोगों के पास रेंज क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जैसे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग ये बता पाते हैं कि जो हमारी डेटा है जो हमारा डेटा सीरीज है वो किस प्रकार से फैला हुआ है इसके विषय में हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कशन करेंगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन्फ्लुएंशियल जो टाइप है उसके विषय में डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल है यहाँ पर हम लोग अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्वॉल्व करते हैं हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में ये जाना था कि रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसका एक एसेंशियल पार्ट है अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो स्टेप्स हैं अब हम लोग उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं तो जो हाइपोथेसिस है वो कहाँ से डेवलप होती है हमारी रिसर्च के क्वेश्चन से तो जो हाइपोथेसिस है वो क्या है हमारे रिसर्च क्वेश्चन का टेंटेटिव आंसर ये डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं अब हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं हम लोग अपनी रिसर्च से रिलेटेड जो डेटा है उसे कलेक्ट करते हैं जब एक बार हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है तो अब हम लोग उस डेटा को डेटा एनालिसिस के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके माध्यम से उसके बारे में रिजल्ट प्राप्त करते हैं उसके बाद हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निर्धारित किया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कशन करेंगे यहाँ समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं लेवल ऑफ़ सिग्निफिकेंस का अर्थ है कि हम लोग अपने रिज़ल्ट अपनी फाइंडिंग्स को लेकर कितने परसेंट सिग्निफिकेंट हैं कॉन्फिडेंट हैं हम कितने परसेंट ये कह सकते हैं कि हमारा डेटा हमारा रिज़ल्ट यदि आगे भी इसी तरह की रिसर्च करें तो इसी तरह की फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी कॉमनली हम लोग पॉइंट ज़ीरो फाइव और पॉइंट ज़ीरो वन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं लेवल 0.05 का अर्थ है हम लोग 95 परसेंट कॉन्फिडेंट हैं अपने रिजल्ट को अपनी फाइंडिंग को लेकर 0.01 का अर्थ है कि हम लोग 99 परसेंट कॉन्फिडेंट हैं श्योर हैं अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स को लेकर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेवल ऑफ़ सिग्निफिकेंस के आधार पर हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट हो जाती है और इस डिसीजन को लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हम लोग जो इन्फ्लुंस कर रहे हैं उसमें हम लोग जो सांख्यिकी की जो विधियाँ हैं उनका उपयोग करते हुए इस डिसीज़न को आधार मानते हुए अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स का जो मीनिंग है उसे निर्धारित करते हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि हमारी रिसर्च से हमारी फाइंडिंग्स से हमें ये अर्थ मिला है ये नई जानकारी मिली है ये हमें नया ज्ञान मिला है तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सांख्यिकी के इन्फ्लुन्शियल जो पार्ट है इसमें हम लोग डिसीजन लेते हैं अपनी रिसर्च के बारे में इंफ्लुस करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं जबकि डिस्क्रिप्टिव्स में हम लोग अपने डेटा के बारे में उसकी सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं उसके वेरिएशन के बारे में डिस्कशन करते हैं ये बताते हैं कि हमारा डेटा किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है अब हम लोग इन्फ्लूशियल का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग आगे सीखेंगे कि यदि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं और हम लोग ये एक हाइपोथेसिस बनाएं कि दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है नल हाइपोथेसिस बनाएं तो एनालिसिस के बाद हम लोगों के पास जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम लोग किसी एक टेबल पर या उस एनालिसिस से रिलेटेड जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं कि हमारे पास दो ग्रुप हैं और हमने नल हाइपोथेसिस बनाई है तो उस कंडीशन में जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो होगा टी एनालिसिस टी टेस्ट जब हम लोग टी टेस्ट एनालाइज करते हैं टी टेस्ट प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास आउटकम में कुछ वैल्यूज़ हमें मिलेंगी उसे हम लोग कहते हैं कैलकुलेटेड टी अर्थात वो वैल्यू जो हमें हमारे डेटा से मिली है कैलकुलेशन से मिली है अब हम लोग उस वैल्यू को जो हमने कैलकुलेट की है उसका कंपैरिजन, उसका एग्जामिनेशन करेंगे किस पे जो हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज वैल्यूज़ हैं तो जो हम लोग टी की टेबल देखते हैं उसमें कैलकुलेटेड टी और डी एफ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं तो जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है उसका कंपैरिजन करने के लिए हम डी के रेफरेंस पॉइंट से अपनी टी की टेबल को देखते हैं तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ मानते हैं कि हमारा डी एफ टेन है तो टेन के पैरलर में हम लोग अपनी टेबल को देखेंगे और हमने माना कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है पॉइंट ज़ीरो फाइव तो यहाँ पर हम लोग ये मार्क करते हैं कि हमारी टी की वैल्यू है टू पॉइंट टू थ्री टू टेल टेस्ट पर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और हम अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को निर्धारित करें पॉइंट ज़ीरो वन तो हम लोग यहाँ पाएंगे कि हमारे पास जो टेबुलर वैल्यू है वो है थ्री पॉइंट वन सेवन तो अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि हमारा जो ग्रुप डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है तो वैल्यूज हैं 2.23 और 3.17। ये कौन सी वैल्यू है टी की टेबल की वैल्यू ये है पॉइंट जीरो फाइव लेवल पर और ये है पॉइंट जीरो वन लेवल पर अब हम लोगों को यह देखना है कि जो हमने कैलकुलेशंस की उन कैलकुलेशंस से जो हमें वैल्यू मिली है वो क्या है हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि वो वैल्यू है वन पॉइंट जीरो सेवन तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो हमारी टेबल की जो वैल्यू है उससे कम है तो इस कंडीशन का अर्थ है कि जो हमारा ग्रुप है जो दो ग्रुप हमारे पास हैं उनका जो डिफरेंस है वो 0.05 लेवल पर सिग्निफिकेंट नहीं है तो यहां पर हम लोग अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे क्यों क्योंकि नल हाइपोथेसिस भी यही क्लेम कर रही है और हमारा डेटा भी हमें यही ट्रेंड शो कर रहा है अब हम आगे देखते हैं पॉइंट ज़ीरो वन लेवल पर तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो यहाँ पर अगर आप टेक्निकल्टीज से देखें तो आप पाएंगे कि जो टू पॉइंट टू थ्री पर ही सिग्निफिकेंट नहीं है वो जो पॉइंट ज़ीरो फाइव पर ही सिग्निफिकेंट नहीं है वो पॉइंट जीरो वन पर सिग्निफिकेंट नल हाइपोथेसिस नहीं होगी क्योंकि पॉइंट जीरो वन पर जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट ज़ीरो फाइव की वैल्यूज़ से ऑलरेडी अधिक हैं तो जब हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो पहले हम लोग पॉइंट जीरो फाइव पर टेस्ट करते हैं यदि वो वहाँ पर एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है उसके बाद हम लोग पॉइंट ज़ीरो वन पर अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि इन्फ्लुएंशियल के माध्यम से हम लोग किस प्रकार अपनी हाइपोथेसिस को एग्जामिन करते हैं और उसके आधार पर ये डिसीजन लेते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी तो जो इन्फ्लुएंशियल पार्ट है हमारे डेटा एनालिसिस का वो हमारी हाइपोथेसिस और डिसीजन मेकिंग से जुड़े हुए जो हमारे कार्य हैं जो हमारी रिसर्च के फंक्शंस हैं उन्हें फुलफिल करने में उन्हें कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है जबकि हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट सिर्फ हमारे डेटा की जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं सिर्फ उन्हें रिप्रेजेंट करता है वो हमें क्या बता पाता था जैसे मीन तो मीन क्या हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि जो हमारी पूरी डेटा सीरीज है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है वो कौन सी वैल्यू है जो मेरी पूरी डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकती है लेकिन इन्फ्लुशियल में हम लोगों ने उस इंफॉर्मेशन से भी आगे इंफॉर्मेशन ऐड की जैसे दूसरा एग्जांपल यदि हम लें तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों के पास मीडियन होगा मोड होगा ऐसा नहीं है कि मीडियन या मोड का कोई उपयोग नहीं है उनके अपने उपयोग हैं उनकी अपनी यूटिलिटी है जैसे यदि मुझे एक कंपनी है और उस कंपनी में मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कितने नंबर ऑफ शूज़ या कितने नंबर ऑफ शर्ट बनानी है एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम एक कंपनी में कार्य करते हैं वो कंपनी जो शर्ट बनाती है तो हम लोगों को क्या जानकारी चाहिए ये जानकारी कि हमें किस किस साइज़ की कितनी कितनी शर्ट बनानी है ताकि मार्केट में हमें जो डिमांड है वो भी हम फुलफिल कर सकें और हमसे बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो अगर हमारी मार्केट में इस पर्टिकुलर साइज़ की शर्ट का सेल नहीं है तो हम लोग उस साइज़ का जो शर्ट है उसका कम प्रोडक्शन करें तो ये जानकारी कि किस नंबर की किस साइज़ की कितनी शर्ट सेल होती हैं किस साइज़ की कितनी सबसे ज़्यादा शर्ट सेल होती हैं ये हमें कहाँ से पता चलेगा हमारे सेंटर टेंडेंसी से हमारे फ्रिकवेंसीज से तो मोड क्या बताता है हमें मोड हमें बताएगा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी तो यदि ये बताए कि इस नंबर की साइज़ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं तो ये हमें इन्फॉर्मेशन किससे मिली मोड से तो ये इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ यूटिलाइज़ कर सकता हूँ जहाँ पर मुझे अपनी प्रोडक्शन के लिए ये निर्धारित करना है कि कितने साइज़ की कितनी शर्ट प्रोड्यूस होंगी उसी तरीके से यदि मुझे ये जानकारी प्राप्त करनी है कि मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट मेरे मेन पॉइंट से कितना डिविएट कर रहा है कितना दूर है या उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं तो उस कंडीशंस में मैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए ये निर्धारित कर सकता हूँ कि मेरा डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है वो क्या इन्फॉर्मेशन मुझे कन्वे कर सकता है तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर ये जानने के प्रयास करते हैं कि मनोविज्ञान में सांख्यिकी के और क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं तो मनोविज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग हम लोग अपने डेटा और अपने रिजल्ट के प्रेजेंटेशन में भी करते हैं डेटा प्रेजेंटेशन का क्या अर्थ है जैसा हम लोगों ने अभी इसी क्लास में लास्ट में एक एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि जो हमें डेटा जब हम फील्ड में कलेक्ट करते हैं मिलता है वो रो फॉर्मेट में होता है एज इट इज जो हमें डेटा मिला तो जो एज इट इज डेटा होता है इसमें इंफॉर्मेशन निहित होती तो है लेकिन वो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते नहीं समझ सकते कि इस डेटा का क्या अर्थ है लेकिन इस कंडीशंस में हमें सांख्यिकी के जो मेथड्स हैं जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ये मेथड्स मुझे हेल्प करते हैं मेरे डेटा को दूसरे लोगों को प्रेजेंट करने में ताकि वो लोग उस डेटा का अर्थ समझ सकें उस डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें हम लोग आगे की क्लासेस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे यहाँ हम लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल एक, 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 एक सिंपल से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ग्राफ या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में जानकारी देते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बताता है कि हमारा स्पेसिफिक डेटा पॉइंट कितने नंबर ऑफ टाइम में अकर कर रहा है तो यदि मुझे ये जानना है कि एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट फॉर एग्जांपल, मेरी पूरी डेटा सीरीज़ में फोर कितनी बार आ रहा है तो ये मुझे कहाँ से पता चलेगा मेरी फ्रीक्वेंसी से तो जब हम लोग फ्रिक्वेंसी का चार्ट बनाते हैं फ्रिक्वेंसीज बनाते हैं तो उससे हमें हमारे किसी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट का ओकरेंस कितनी बार वो आया है उसकी जानकारी मिल जाती है दूसरा है ग्राफ ग्राफ का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में बार बार करते हैं तो आप देखेंगे कि सुबह उठ न्यूज़पेपर पढ़ने से लेकर शाम को न्यूज़ सुनने तक या कोई भी और जानकारी एकत्र करने में बातचीत करने में हम लोग ग्राफ का उपयोग करते हैं कॉमनली हम लोग बार डायग्राम, पाई चार्ट, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम इस तरह के जो ग्राफ्स हैं अपने आसपास दैनिक जीवन में देखेंगे तो आप देखेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन्स हैं न्यूज़पेपर्स हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको रॉ डेटा में ना देकर ग्राफ के फॉर्म में देते हैं आप देखेंगे न्यूज़पेपर में भी जब आपको ये बताना होता है कि दो ग्रुप्स हैं उनके बीच में किसी करेक्टर पर क्या डिफरेंस है तो आप बार डायग्राम देखेंगे न्यूज़पेपर में और देखेंगे कि वो जो बार हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं दोनों ग्रुप्स के बारे में एक बार आपको एक ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है दूसरा बार आपको दूसरे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन जो नंबर से आपको डिफिकल्ट होती है समझने में उसको कॉम्प्रीहेंड करने में ग्राफ हमें बड़ी आसानी से उस इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रीहेंड करने में मदद करते हैं इन सभी विधियों के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं पर अपने इस डिस्कशन को समाप्त करते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो धन्यवाद